सिवान जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई है। दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया है, ऐसा मामला सामने आ रहा है। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव का है, जहां दहेज के लिए एक बेटी को जिंदा जलाने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई है। बता दें कि सारण जिला में माझी थाना क्षेत्र स्थित जैतीय गांव निवासी स्वर्गीय गया प्रसाद की पुत्री प्रमीला देवी की शादी बसंतपुर थाना क्षेत्र के राजापुर निवासी रघुवीर सिंह के पुत्र पवन सिंह से 2017 में हुई थी। मृतक की मां के अनुसार शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा 3 लाख रुपए नगद और एक अपाची बाइक की मांग की जा रही थी, नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी जा रही थी। मृतक की मां ने बताया कि वे अपने पुत्र के साथ झांसी रहती है और 11 जुलाई को उन्हें सूचना मिली कि उनके पुत्री को ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया है। सूचना मिलने के बाद वो जब बसंतपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव पहुंची तो ग्रामीणों से पता चला कि उनकी पुत्री गंभीर रूप से जल चुकी है और जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के क्रम में प्रमीला की मौत हो गई। मृतक की मां ने दामाद पवन सिंह, उनके पिता, माता, भाई समेत 6 लोगों को नामजद करते हुए FIR दर्ज की है और न्याय की गुहार लगा रही है। आप देखना यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार दहेज के लिए जिंदा जला दी गई इन बेटियों के लिए क्या इंसाफ दिलाती है, क्या इस बेटी को इंसाफ मिलती है या नहीं। ये पूरा मामला है कि ये हमारे वहाँ पे गए हम लोग तो पता चला कि हमारे लड़की को जला दिया गया। मैं उसका चाचा मैं बोल रहा हूँ और ये 7 तारीख का कांड है, हम लोग को पता चला है 11 तारीख को। क्यों जलाया गया? ये दहेज के लिए जलाया गया था, पहले से प्रताड़ित किया और ये इसी के चलते ये सब हुआ है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सही इसका निर्णय हो और जांच किया जाए। शुभ नाम है अपना? मनोज कुमार सिंह। कैसे क्या हुआ था? बस अब थाना के और लड़की का नाम है प्रमीला देवी, उसको जला के मार दिया दहेज उत्पीड़न के कारण, और थाना प्रभारी से मांग किया जा रहा है अरेस्ट करने के लिए और भी कार्रवाई किया जाए, उचित कार्रवाई नहीं हो रहा है। उन लोग पे FIR हुआ है? FIR हो गया है, लोग घर छोड़ के भाग गए हैं, हम लोग बॉडी लेके आए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। कब की घटना? 7 तारीख की घटना है। शुभ नाम बताइए। पवन कुमार सिंह।